गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। अफजाल को हलाला पर बोलना चाहिए। पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अफजाल अंसारी के बयान पर किया पलटवार। मैं चेतावनी देता हूं, अफजाल को हिंदू सनातन धर्म पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, शुक्ला। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर यूपी के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अफजाल अंसारी के गांजा पर दे बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पवित्र मठ हो और कुंभ मेला पर अफजाल की टिप्पणी की मैं कड़ी निंदा करता हूं। आनंद स्वरूप ने कहा कि अफजाल मदरसों में आतंकी गतिविधियों, मदरसों में अवैध हथियारों पर क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि मस्जिदों, दरगाहों, मजारों, ईदगाहों में क्या हो रहा है, उस पर अफजाल क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देता हूं कि अफजाल को हिंदू सनातन धर्म पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्ला ने कहा कि अफजाल को हलाला खाद्य पदार्थों में अवशिष्ट मिलाने पर बोलना चाहिए। पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने साधु संतों और कुंभ मेला में गांजा सेवन पर अफजाल के विवादित बयान पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने मठों के बारे में और हमारे पवित्र कुंभ मेले के बारे में जो ओछी टिप्पणी की है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं, अफजाल अंसारी अगर बोलने की इतनी जरूरत समझ में आ रही है तो सबसे पहले इस बारे में बोलना चाहिए कि मदरसों में किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जाती हैं, किस तरीके से अवैध हथियार इकट्ठे किए जाते हैं, क्या हो रहा है मस्जिदों में, क्या हो रहा है मजारों में, क्या हो रहा है दरगाहों पे, क्या हो रहा है ईदगाहों में, उसके बारे में बोलो। मैं चुनौती देना चाहता हूं, सनातन धर्म के बारे में, हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में अफजाल अंसारी आपको बोलने की कोई अधिकार आपको नहीं है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कुछ दिन पहले जो उन्होंने कहा था कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं होता है, और उस परंपरा को, भारत की महान ऋषि परंपरा, मठ की परंपरा, मठाधीश की परंपरा, इसको लांछित करने का अधिकार किसी को नहीं है। और अफजाल अंसारी, मैं आपको चुनौती देता हूं, इस प्रकार की टिप्पणी को वापस लीजिए। कहीं से भी, किसी प्रकार से भी आपने हलाला के बारे में कुछ नहीं बोला, अभी जो जूस में पेशाब मिलाकर के पिलाया उसके बारे में कुछ नहीं बोला, अभी जो रोटियों में, खाने की चीजों में थूक रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं बोला, और आपकी इतनी कैसे इस प्रकार की आपका साहस हो रहा है, समाजवादी पार्टी कैसे इतना बल प्रदान कर रही है कि हमारे सनातन परंपराओं के खिलाफ इस तरीके से बोलने की औकात हो रही है। अफजाल अंसारी, सांसद गाजीपुर, आपकी ओछी टिप्पणियों से हम सभी आक्रोशित हैं और आपको अपनी टिप्पणी को वापस लेना पड़ेगा।